ये सिद्धासन के संरक्षक सर्व प्रकारेण विश्व के मित्र ब्रह्मर्षि आपके श्री चरणों में ये मिथिला धर्म क्षेत्र का छोटा सेवक प्रणाम करता है। अपने आप को छोटा कहना ये बड़ी बात होती है। प्रिय श्री सतानंद जी, आप हमारे समीप पधारे, कल भी आपका शुभागमन हुआ था, लेकिन आपसे वार्ता का कोई आनंद मैंने प्राप्त नहीं किया। आज आप मिले हैं, लग रहा है कि आपके आने का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। कहे कहे प्रिय श्री सतानंद जी, मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूँ? मेरे आने का एक विशेष प्रयोजन है। कहे, एक निवेदन लेकर के आया हूँ राजा जनक की ओर से। सर्वप्रथम आपके राजा जनक की ओर से आपके श्री चरणों में प्रणाम, तत्पश्चात उनकी एक विनय है, उसे आप सुनो। अवश्य आप कहें, मैं सुनूंगा। तो मिथिला में आज महामंगल अपने मख भूमि सजवाई है। आए नृप देश विदेशन के, क्या अजब छटा छवि छाई। आए नृप देश विदेशन के, क्या अजब छटा छवि छाई। आए नृप देश विदेशन के, क्या अजब छटा छवि छाई। चाहिए चाहिए है, पूर्वी पश्चिमी उत्तरार्धी अरे दक्षिणी बंगवासी आए, दक्षिणी दक्षिणी बंग वासी आए। उजर पंजाब मारवाड़ी कर्नाटक के हैं छवि छाए, मारवाड़ी कर्नाटक के अति छवि छाए। उजर पंजाब मारवाड़ी कर्नाटक के छवि छाए, छवि छाए, छवि छाए। तो महाराज बतलाए, अरे फूफों की समाज इकट्ठा है। हेरी फूफों की समाज इकट्ठा है। अरे कोई मूछे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्ठा है। कोई बुझों के मूछे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्ठा। कोई बुझों के मूछे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्ठा है। ठट्ठा है, ठट्ठा है, ठट्ठा है, ठट्ठा है, ठट्ठा है, ठट्ठा है। अंतिम दिन स्वयंवर का वेदी पर शिव धनु धरवाया, दया कर मेरी विनय सुनो। अरे राजा ने आपको बुलवाया और दया कर मेरी विनय सुनो, राजा ने आपको बुलवाया बुलवाया बुलवाया। वैसे तो आपके संग में 88,000 ऋषियों मुनियों का समुदाय है, लेकिन एक विशेष बात है। क्या? दो छोटे छोटे युग राजकुमार आए हुए हैं, इसलिए दो राजकुमार दो
प्रभु राज कुमार संग मेल ली जय। अरे रंग भूमि की छटा बिलो की देखो महाराज कृपा कर चल दी जय। नृप कर्तव्य सकल ले हर से बोली लिए तुम भाई राम। श्री सतन जी आपसे मिला आनंदित हुआ और यह आनंद बना रहे कुमार। ये मिथिला के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, ऋषि कुल के गौरव हैं। दोनों बंधु इनके श्री चरणों का पूजन करो। सतानंद पद बंदी प्रभु पद बंदी प्रभु पद बंदी प्रभु। हे ब्रह्मदेव लोक मर्यादा के संरक्षक श्रुति सेत पालक राम, ये ब्राह्मण शरीर आपकी ही कृपा का आकांक्षी है, तथापि मैं अपने संचित पुण्यों को आपके ही प्रति समर्पित कर रहा हूँ। आपने मुझे प्रणाम किया, ब्राह्मण होने के नाते से मैं आपको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करूंगा। हे राम कि हे राम तुम्हारे मंजुल मन में कि हे राम तुम्हारे मंजुल मन में ये भव्य भावना बनी रहे और निज आन मान मर्यादा कर तुमको सदैव ही ध्यान रहे। इस भैया को निज अंग समझ कर प्यार इसे करते रहना। तुम भी लक्ष्मण निज भात प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। ये तुम में हो तुम इनमें हो तुम दोनों का विच्छेद न हो। आशीष दे रहा ये सतानंद तुम जहाँ रहो वहाँ सुखी रहो। राजपुत्र माम वाक्यम राजपुत्र माम वाक्यम त्रैलोक्यनाथनाम हरिशन मुक्तिम प्राप्त दीर्घायु राम लक्ष्मण आयुष्मान कल्याण भव दीर्घायु भव यशस्वी भव आयु मस्त बल मस्त धन मस्त विद्या मस्त चिरायु चिरायु।